बस सेफ्टी वाला वही जूता टूपी जो टाटा कंपनी में चलता था वही ना चल रहा अभी भी, यहाँ भी सिस्टम है दोस्तों। अभी अपना गाड़ी का नंबर आ गया, अब जा रहे गाड़ी को लगवाने के लिए, निकल रहे हैं दोस्तों। मेरा गाड़ी तो खाली हो गया, अब जा रहे काटा कराने, अब काटा कराएंगे और रिसीविंग लेके फिर निकल जाना है। अभी दोस्तों एक और प्रॉब्लम हो गया जो अपने साथ होता है, ये देखिए अब यहाँ से गाड़ी निकलेगा कि नहीं। चलिए निकल जाएगा, निकल गया दोस्तों। बस ये सब जो ठोकर रहते हैं ना, तो पीछे से गाड़ी और उठता है तो उस पर सड़ जाता है, ये देखिए सड़ गया थोड़ा सा, जाइए सड़ गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए व्लॉग में फिर स्वागत है। दोस्तों हम लोग प्लांट आ चुके हैं और देख सकते हैं बहुत बड़ा प्लांट है। तो यहाँ पर सेफ्टी वाला वही जूता टूपी जो टाटा कंपनी में चलता था वही ना चल रहा अभी भी, यहाँ भी सिस्टम है। तो सब कुछ हो गया सेफ्टी में, अभी अनाउंसमेंट हो चुका है, गाड़ी लेकर अंदर जाते हैं। गैस दोस्तों जमा करना है, इसलिए सोच रहे गैस को इससे चेन से बांध देंगे अच्छे से। तो ताला अपने पास यहाँ पर एक ही था, तो ये ताला लगा देंगे उस पर। तो दोस्तों अंदर जाने के बाद तो फिर ब्लॉग बना नहीं पाएंगे, तो आप बाहर निकलेंगे तभी कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग को। दोस्तों अभी कंपनी के अंदर तो आ गए हम लोग और गाड़ी सकते हैं, हम खड़ा है साइड में भी। अभी क्या ना कि एक गाड़ी और खाली हो रहा है, वो कल का गाड़ी आया हुआ था, कल वो दो तीन बजे आ गया था लेकिन वो नहीं हुआ था खाली। तो अभी वो गाड़ी खाली हो, फिर हमारा नंबर आएगा। दोस्तों अभी ये वाले गाड़ी का नंबर आया हुआ है, तो ये गाड़ी अभी खाली हो रहा है और हमारा गाड़ी एकदम उधर पीछे अभी साइड में कोना में खड़ा हुआ है। तो इस गाड़ी को अभी खाली होने में करीब हमको लगता है 2-3 घंटा लग जाएगा, जितना अभी स्लो में खाली हो रहा है। और देख सकते हैं कंपनी कितना बड़ा है, पूरा एकदम सेफ्टी के साथ, इसीलिए यहाँ रहने को बोल रहे हैं। कंपनी में तो दोस्तों ये कैंटीन है अंदर, लेकिन हम पोहा बाहर से ले आए थे, तो आज हमारा नाश्ता यही पोहा हो जाएगा। अब फिर देखेंगे दोपहर में भूख लगेगा तो कैंटीन जाएंगे, इधर से आगे जाना है। दोस्तों अभी अपना गाड़ी का नंबर आ गया, अब जा रहे गाड़ी को लगवाने के लिए, निकल रहे हैं। यहाँ पीछे ही में लगेगा, ज़्यादा दूर नहीं है। दोस्तों अभी तो लंच ब्रेक हो गया है, तो लंच ब्रेक के बाद ही ये लोग करेंगे अपना खाली। तो अभी ताला खोल लेते हैं गाड़ी का। दोस्तों मेरा गाड़ी तो लग चुका है और खाली भी हो रहा है, क्योंकि लंच के बाद ही मेरा गाड़ी में हाथ लगाया था, तो हो सकता है एक घंटा में, कम से कम 1-1.5 घंटा लग ही जाता है तो खाली हो जाएगा मेरा। तो यहाँ से निकलेंगे फिर रायपुर के लिए, इधर से कुछ तो मिलना नहीं है, और ऐसे भी तो इतना सो लोकल में कुछ नहीं मिलता है, फिर यहाँ से रायपुर ही जाएंगे खाली करके। ये कंपनी दोस्तों देख सकते हैं कितना बड़ा है, ये देखिए कुछ ना कुछ काम हो रहा है, कितना यहाँ पे हमको लग रहा है कम से कम 1200-1500 आदमी काम करते हैं। दोस्तों अभी देख सकते हैं हमारा गाड़ी इतना खाली हो गया है, मतलब पूरा हो ही गया, बस थोड़ा सा गेंद के साथ ही 8 पीस बचा हुआ है। तो ये लोग लेके जा रहे हैं उधर साइड में करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे, लेकिन शायद पेपर मिलने में थोड़ा टाइम लग सकता है। दोस्तों मेरा गाड़ी तो खाली हो गया, अब जा रहे काटा कराने, अब काटा कराएंगे और रिसीविंग लेके फिर निकल जाना है यहाँ। फिर उस पर लेट नहीं होगा, क्योंकि जो लेट हुआ था जो होना था उधर ही हुआ। दोस्तों अभी शाम के 4 बज चुके हैं और हमारा गाड़ी खाली हो गया और हम लोग निकल चुके हैं अभी। तो इतना बड़ा फैक्ट्री में जाने का मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि 4-5 बार स्टोर जाओ, फिर इधर घूमो, गार्ड के पास जाओ, तो वो सब करके हम निकल चुके हैं कांटा वाटा करवा के सब कुछ। तो यहाँ से अब मतलब यहाँ से अब रायपुर ही जाएंगे, तो लोडिंग का भी 2-3 जगह सेट बात करके रखे हैं, अभी तो लोकल ही चक्कर मारना पड़ेगा पूरा, पता नहीं अभी कितना टाइम और लगेगा। तो ये देखिए अभी निकल रहे हैं, जा रहे मतलब लोडिंग पे जा रहे कि कहीं और जा रहे हैं? नहीं लोडिंग अभी कहाँ होने वाला, जो भी होगा सुबह ही होगा, अभी हम लोग जाके कहीं रुकेंगे, सुबह जाएंगे सेट का जहाँ आदेश होगा, उसके बाद एक चक्कर और मारेगा, हमको लगता है कि उम्मीद कि हो जाना चाहिए, अब आ जाना चाहिए परमिट मेरा। अभी दोस्तों ये थोड़ा इसमें थोड़ा मजा नहीं आता है कि तुरंत लोड करके तुरंत खाली करना, जैसे हम लोग कल लोड किए थे आज आके खाली कर लिए। अब देखेंगे अब क्या करेंगे, एक ट्रिप और मारना है उसके बाद फिर लॉन्ग ट्रिप मारेंगे। अभी दोस्तों एक और प्रॉब्लम हो गया जो अपने साथ होता है, ये देखिए अब यहाँ से गाड़ी निकलेगा कि नहीं, अब होगा कि नहीं होगा, कैसे लग रहा है? देखो तुम नीचे। आइए आइए, ठीक है आइए 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 आइए, निकल जाएगा, आइए आइए, निकल जाएगा, जाइए, निकल गया, जाइए निकल गया। दोस्तों अब एक और है, वहां पर देखना पड़ेगा, चलिए निकल जाएगा, निकल गया दोस्तों। बस ये सब जो ठोकर रहते हैं ना, तो पीछे से गाड़ी और उठता है तो उस पर सड़ जाता है, ये देखिए सड़ गया थोड़ा सा, जाइए सड़ गया। दोस्तों गाड़ी लेके तो निकल गए, लेकिन पीछे में थोड़ा सा लगा, चोट लगा, अब देखते हैं कितना नुकसान हुआ होगा। बाहर से तो शायद थोड़ा सा चपका दिख रहा है, चलिए जाइए, ठीक है जाइए। जाइए जाइए जाइए, इधर जगह है।
तो वही दोस्तों, अब गाड़ी कहीं रुकेगा तो ऊपर चढ़ के देखेंगे, मतलब ज्यादा तो नहीं लगा होगा, ऊपर से जो तिरपाल हम लोग बांधे थे बस वही फटा होगा। दोस्तों अभी देख सकते हैं सामने एक एक्सीडेंट देखने को मिल रहा है, वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इस गाड़ी का माल अभी इस पे क्रॉसिंग हो रहा है, अब वो तो खराब हो गया तो चल नहीं सकता इसीलिए। दोस्तों अभी हम लोग गाड़ी थोड़ा रुके हैं देखने के लिए, ऊपर चढ़ने जा रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ वो देखने के लिए, तो चढ़ते हैं अभी ऊपर। ये देख सकते हैं अभी मतलब जो ऊपर था हमने तिरपाल बिछाया तो पूरा ऊपर का लेयर हट गया, फट गया है, अंदर वाला वाइट वाला बच्चा है। ये पापा गेट खोल के हैं, एक दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है देखिए, ये पूरा फटा नहीं, पूरा आर पार तो नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा ऐसे दब गया है और ये निशान पड़ गया। दोस्तों जो थोड़ा सा लगा है ऊपर, अभी सागर चढ़ के देखा तो ये क्या होता है कि हम लोग का गाड़ी का लंबाई कुछ ज्यादा होता है, और जब जहाँ पर भी गेट बनता है ना, अगर उसके पास में अगर ठोकर बना देता है, जिसको ब्रेकर ही बोलते हैं हम लोग, वो अगर बना देता है ना तो अगला चक्का में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पिछला चक्का जब चढ़ता है ना तो पीछे लंबाई कारण वो ट्रक उड़ जाता है। तो वो कहीं भी हमेशा हर कंट्री वाला बोलता है हमको कि जब भी गेट के सामने ठोकर देखोगे ना तो खाली गाड़ी रहेगा तो थोड़ा जब पिछला हिस्सा आता है उड़ जाता है, तो वो लग ही जाता है। तो सब गाड़ी के साथ यही हाल है, लेकिन लोड गाड़ी में नहीं होता, लोड गाड़ी में सब दब जाता है और खाली गाड़ी में थोड़ा सा उड़ जाता है। यही पर तो मेरे साथ थोड़ा हो गया है, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है, थोड़ा सा रगड़ा गया है, कट गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रस्सी कट गया मेरा, तिरपाल जो था ऐसे भी तो तिरपाल तो खराब ही हो गया, तिरपाल तो चेंज करना ही था हम लोग को। ठीक है दोस्तों अब जाते हैं रायपुर, अब कल देखते हैं कहीं ऐसा जगह माल भरते हैं कि जहाँ बड़ा प्लान लोन का ना हो। अभी दोस्तों हम लोग रायपुर तो आ गए हैं, आप सोच रहे हैं यहाँ पंप में गाड़ी लगा देने के लिए, यहीं पे पंप में लगा देते हैं, रात में यहीं सोएंगे फिर आगे चलेंगे सुबह। दोस्तों गाड़ी अपना लग गया यहाँ पे एकदम पंप के पास में, अब ठीक है, चोरी होने का कोई डर नहीं, अपना डीजल टैंक भी इधर है तो रात भर पंप भी खुला रहेगा। दोस्तों गाड़ी तो जगह पर लगा दिए हैं, सामने पेट्रोल पंप भी है, अच्छा पार्किंग भी है, तो अभी क्या ये क्लियर नहीं हुआ, दो तीन जगह बात चल रहा है, तो दो तीन जगह बात चल रहा तो वही दिक्कत हो रहा है, थोड़ा कागज का लेकर, कोई बड़ा बड़ा प्लांट में जब जाते हैं ना कागज का भी होता है, तो भले कागज मेरा फेल है तो उसमें चल नहीं सकते हैं, तो इसी लेके मना कि बोले नहीं छोटा मोटा पार्टी का रहे तो चलो चलता है, बड़ा प्लांट में अभी थोड़ा दिक्कत हो जाएगा कागज के लेके। बगल में होटल भी है पीछे, तो वहीं पे जाएंगे खाना वाना करेंगे, क्योंकि आज तो हम लोग का दोपहर में हुआ भी नहीं, तो इसी रह के प्लांट के अंदर हम लोग तो जाते हैं, ढाबा से खाना खा के आते हैं तो फिर यहीं पे सोएंगे हम लोग। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं खाने के लिए, तो आज ऑर्डर किए ये देखिए सेव भाजी और ये गोभी का सब्जी है, आलू गोभी का भुजिया बोलते हैं इसको, सब्जी नहीं भुजिया, आलू गोभी का भुजिया है सेव भाजी, और खाते खाते हम मैच का आनंद भी ले रहे हैं हम लोग। दोस्तों खाना खा के आ गए हैं, अब जा रहे सोने के लिए, मेरा पर्दा वगैरह सब लग गया, गाड़ी वगैरह अच्छी तरह लॉक हो गया। ठीक है दोस्तों मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा दूसरा दिन है, तो अभी सुबह सुबह तो हम लोग फ्रेश वगैरह हो गए हैं, पापा ब्रश कर रहे हैं, सी पेट्रोल पंप में फ्रेश हो गए थे, तो दोनों बाल्टी में भी पानी भरना पड़ेगा, ये पीने वाला पानी भी और ये जो रखे खाना बनाने वाला ये भी। दोस्तों रात भर तो पंप में रहे हम लोग, अभी हम लोग सुबह निकल चुके हैं, तो अभी तक हमारा लोडिंग का कहीं प्रोग्राम हुआ नहीं है, ऐसे भी लोडिंग जो होता है वो 10-11 बजे के बाद ही होता है, तो अभी तो हम निकल गए वहाँ से, जा रहे रायपुर तरफ, और देखते हैं क्या कि बहुत दिन से हम लोग, आप लोग भी देखेंगे पुराना वीडियो में कि हम लोग हेडलाइट लिए थे, तो अभी तक लगाए नहीं है क्योंकि समय नहीं मिला वैसा, तो अभी हम जा रहे हैं कहीं, देखते हैं जहाँ भी मिलेगा हमको गैस वेल्डिंग वाला उससे कटवाना पड़ेगा पंप, वो कटवा के हम लाइट लगाना है, क्योंकि अभी क्या है थोड़ा सा कुहासा हम लोग बोलते हैं तो वो ज़्यादा गिर रहा है, तो उसके चलते थोड़ा देखने में दिक्कत हो रहा है, तो वो लगा लेंगे तो सही रहेगा, रोशनी थोड़ा बढ़ जाएगा मेरा, ऐसे भी लेके रखे हैं मेरे घर में जगह कम है तो जगह के लिए भी दिक्कत हो रहा है, तो वो लग जाएगा, तो अभी जब तक लगाएंगे तब तक हो सकता है कोई लोडिंग का ऑर्डर निकल जाए, तो देखते हैं जहाँ मिलेगा मिस्त्री खाली वहाँ करवा के अभी उसको फिट करवाते हैं। ठीक है दोस्तों अभी आज कराना भी जरूरी है, जो फुर्सत भी है मेरे पास, टाइम भी है, तो लगवा लेते हैं आज उसको। दोस्तों अभी गैरेज पे आ गए हैं, यहाँ गैस वेल्डिंग वाला भी है और ये बगल में टाटी बांध है, तो यहीं पे कटवाना है हमको, इसको गैस कटर से कटवाना है और यहीं पे लाइट लगाना है, और यहाँ पे एक लगेगा, एक इस साइड लगेगा यहाँ पे, तो जगह देख कर लगवाना है, और फिनिशिंग से भी ऐसे तो गैस कटर से भी कटता है लेकिन ज़्यादा कट जाता है, तो उसको कटवाते नहीं है, तो वेल्डिंग वाला से कटवाएंगे तो ठीक से कटेगा, वो फिनिशिंग कर देगा, तो ये सब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा दोस्तों, तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय।
और जय हिंद दोस्तों।